आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसप्लांटेशन, जिसको बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण या इसको हम ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग कैसे किसे है। तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है जब किसी पर्सन के किसी अंग या किसी टिश्यू या किसी कोशिका को किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाए, या एक ही पर्सन के बीच में टिश्यू या स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो सबसे कम या लीस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसे हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं। द ट्रांसफर एंड ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा और ग्राफ्टिंग किया जाएगा टिश्यू या ऑर्गन या सेल। या तो टिश्यू का ट्रांसफर कर सकते हैं या ऑर्गन का या किसी सेल का कर सकते हैं। किसके बीच में? फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या विदिन द सेम पर्सन, या एक ही व्यक्ति के दूसरे पार्ट में हम टिश्यू या ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं। अभी टिश्यू ग्राफ्टिंग डिपेंड किस पे करता है? सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड ऑन मैचिंग ऑफ HLA। यदि दो पर्सन के बीच में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो सबसे पहले उनका मैचिंग होना चाहिए HLA, मतलब ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। जिसे मान सकते हैं दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, इसका HLA और इसका HLA, मतलब ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। अगर इन दोनों का HLA मैच कर रहा है तभी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे जब मैचिंग कराते हैं, इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो मैचिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑफ HLA प्रोटीन इज कॉल्ड टिश्यू टाइपिंग। मतलब ये जब HLA को हम मैच कराते हैं तो इस प्रोसीजर या इस प्रोसेस को टिश्यू टाइपिंग कहते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ के चार प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन देखेंगे। पहला है ऑटोग्राफ, दूसरा है सिंग्राफ या आइसोग्राफ, तीसरा है एरोग्राफ, चौथा है जीनोग्राफ। तो अब यहाँ पे हम सबको समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? जब सेम पर्सन में टिश्यू, ऑर्गन या स्किन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम ऑटोग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, सेम पर्सन कैरीज बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति डोनर का भी काम करेगा और रिसिपिएंट का भी काम करेगा। तो ये कब किया जाता है? जनरली जब कोई व्यक्ति बर्न हो जाता है, जल जाता है, या ड्यूरिंग प्लास्टिक सर्जरी, यदि कोई व्यक्ति फेस को चेंज कराना चाहता हो या प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हो तो उस समय उसी व्यक्ति के थाई से स्किन को लिया जाता है और बर्न या प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसको यूज करता है। तो जो ऑटोग्राफ होता है ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। सेकेंड लेते हैं आइसोग्राफ, या इसे बोलते हैं सिंग्राफ। ये क्या होता है? जब ग्राफ्टिंग की प्रोसेस आइडेंटिकल ट्विंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जब ट्विंस के बीच में ग्राफ्टिंग की प्रोसेस कराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिंग्राफ या आइसोग्राफ कहते हैं। तो अब अगले प्रोसेस में आते हैं या अगला ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं। तो अगला है हमारा एलोग्राफ। तो एलोग्राफ किसके बीच में कराते हैं? एलोग्राफ का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है जेनेटिकली डिससिमिलर बट सेम स्पीसीज के बीच में कराया जाता है। लाइक फ्रेंड्स के बीच में हम करा सकते हैं, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के फ्रेंड्स के बीच में किसी से भी करा सकते हैं। तो ये एलोग्राफ ग्राफ्टिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर, यानी कि जेनेटिकली भी उससे वो डिससिमिलर होगा बट स्पीसीज क्या होगा? सेम। तो अब लास्ट देखते हैं जीनोग्राफ। ये जो जीनोग्राफ ट्रांसप्लांटेशन होता है ये लीस्ट सक्सेस
सबसे कम सक्सेसफुल होता है ये, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये अलग अलग स्पीशीज के बीच में ग्राफ्टिंग कराई जाती है, जैसे काउ और ह्यूमन के बीच में, डॉग एंड कैट के बीच में। अगर इस तरीके से हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जो कि सबसे कम सक्सेस होता है। दैट्स ऑल।